अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। आज हम हल्के बहादुरपुरा कांस्टिट्यूंसी के पदयात्रा के दौरान इस पैदल दौरे में आवाम का जोश खरोश देखकर मुझे एक शेर याद आया। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। उसी के मद्दत आज बहादुरपुरे की आवाम का जोश व खरोश देखकर इस बात का हमें यकीन है कि आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब वज़ीर आला तेलंगाना रियासत की स्कीमें और BRS के प्रोग्राम्स को देखकर आवाम में एक जोश व खरोश है और आवाम डेवलपमेंट चाहती है और बेरोज़गार को रोज़गार चाहती है और आवाम को यहाँ के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना चाहती है। आज भी पुराने शहर में बहादुरपुरा इलाके के कई बस्तियाँ ऐसी हैं जहाँ पर ड्रेनेज में का पानी नलों में आ रहा है, उन लेनों को तब्दील करना है। मैं इन इलाके के अंदर जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ शिकायतें वसूल हो रही है। मुझे यकीन है कि आते ही इन पूरे इलाके का सर्वे कर कर हर इलाके का हर बस्ती के अंदर एक महिलाओं की और एक यूथ की और बुज़ुर्गों की एक कमेटी बनाना चाहिए, उसके ज़रिए एरिया का डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारे MLA की जो जिम्मेदारियां होती है वो जिम्मेदारियों को आवाम की खिदमत के लिए सर्व करना चाहिए, ना कि अपनी ज़ाती मफादात के लिए। मैं चाहूँगा कि आवाम 30 तारीख के दिन 3 नंबर के कार के निशान को वोट देकर आप ये साबित करें कि आने वाला वक्त जो है वो एरिया के डेवलपमेंट का है। हम डेवलपमेंट चाहते हैं, ना कि ख़ास बात यह है कि शहर के अंदर मैं बार बार कहता हूं कि MLA की ज़िम्मेदारी है कि यूथ को एम्प्लॉयमेंट दिलाए, यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों को लोन दिलाए और यहाँ की ख़वातीन को हर हाथ में काम दे और साथ ही साथ इलाके के डेवलपमेंट पे तवज्जो दे। पूरे बहादुरपुरे के अंदर मैं हर बस्ती के अंदर स्पोर्ट्स के ऊपर इतने टैलेंटेड नौजवान हैं, उसके बावजूद उन्हें 0% की मदद है। अगर उन्हें मदद मिलती है तो हमारे देश का नाम, हमारे स्टेट का नाम, हमारे महल्ले का नाम, हमारे इलाके का नाम रोशन कर सकते हैं वो लोग। हमें यकीन है कि आने वाले वक्त में इनका साथ देकर इनको नंबर 1 पे लाया जाएगा। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ ही इजाज़त दें, मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफिज़। DJ Joseph.